जैसा कि आप सब जानते हैं कि अक्टूबर का महीना विश्व भर में पिंकटूबर के रूप में मनाया जाता है। ये उन महिलाओं को समर्पित है जिन्होंने या तो स्तन कैंसर नामक घातक बीमारी को मात दी है या फिर उससे जूझ रही हैं। आप भी इस बीमारी से सतर्क रहें। यदि महिलाएं अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी स्वयं लें तो संसार बदल सकती हैं। महिलाओं में स्तन कैंसर ने अन्य सभी कैंसरों को मात दे दी है। स्वयं स्तन परीक्षण के माध्यम से कैंसर का शीघ्र पता लगाना संभव है। प्रारंभिक चरण का अर्थ है सर्जरी के दौरान स्तन को संरक्षित करने की संभावना। जहाँ को तुमने खूबसूरती सिखाई है, तुम्हारे नूर से ही दुनिया जगमगाई है। वो रब की नेमतें, दुआएं और आशीषें, जहाँ मैं माँ बेटी बहन बन के आई है। जहाँ को तुमने खूबसूरती सिखाई है, तुम्हारे नूर से ही दुनिया जगमगाई है। स्तन स्वपरीक्षण क्यों करे? भारत में बहुत सी महिलाएं तभी चेकअप के लिए आती हैं जब स्तन की गांठ बड़ी हो जाती है, घाव हो जाता है या खून बहने लगता है। किसी भी इलाज के लिए देर होने तक समस्या को ना छुपाएं। जल्दी पता लगाने से स्तन संरक्षण के साथ उपचार के बेहतर परिणाम संभव हैं। 90% महिलाएं कैंसर का पता स्वयं ही लगाती हैं। स्तन स्वपरीक्षण करें कैसे? इसे 5 चरणों में किया जाता है। प्रथम चरण, कंधों को सीधा रख आईने में देखें और दोनों हाथ कमर पर हों। देखना यह है कि समतौलता, आकार और रंग में समरूपता है या नहीं। निप्पल एरियोला अंदर की ओर खींचा हुआ या हटा हुआ तो नहीं। ब्रेस्ट की चमड़ी पर खिंचाव या डिंपल तो नहीं। दूसरे चरण में हाथ उठाइए और देखिए निप्पल में खिंचाव या डिंपल का होना या त्वचा में खिंचाव या डिंपल का होना स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। तीसरे चरण में स्तनों को सख्त बिस्तर पर लेटे हुए महसूस करें। दाहिने हाथ से बाएं स्तन को और बाएं हाथ से दाहिने स्तन को महसूस करें। 3 अंगुलियों से दृढ़ कोमल स्पर्श का प्रयोग करें। हंसली से लेकर छाती तक, 2 स्तनों की मध्य रेखा से कांख तक पूरे ब्रेस्ट को कवर करें। 4th चरण में निप्पल को उंगली और अंगूठी के बीच धीरे से घुमाएं और निप्पल के स्राव की जांच करें। खून या पानी जैसा स्राव संदेहजनक होता है। 5वें चरण में नहाते समय स्तनों को महसूस करना है क्योंकि त्वचा गीली और फिसलन वाली होती है, इसमें संवेदनशीलता अधिक होती है। जहाँ को तुमने खूबसूरती सिखाई है, तुम्हारे नूर से ही दुनिया जगमगाई है। स्तन स्वपरीक्षण किन्हें करना चाहिए? 30 और उससे अधिक उम्र की सभी महिलाओं को इसे जीवन भर जारी रखना है। स्तन स्वपरीक्षण कब करना चाहिए? मासिक अवधि समाप्त होने पे या 2-3 दिन बाद। इस समय स्तन नरम और कोमल होते हैं और आपको गांठ मिलने की संभावना अधिक होती है। रजोनिवृत्ति के बाद 1 दिन निश्चित चुन लें, जैसे प्रत्येक महीने का पहला दिन। संयोगवश यदि आप हार्मोन्स ले रही हो तो स्राव पश्चात स्वपरीक्षण करें। प्रश्न ये भी उठता है कि कितनी बार स्वपरीक्षण करना चाहिए? उसका उत्तर है महीने में केवल 1 बार। यदि जांच से आपके स्तन में कोई परिवर्तन, गांठ, दर्द या निप्पल से स्राव, खून या पानी जैसा दिखता हो तो आप अपने डॉक्टर से अवश्य मिलें। ममता के आंचल से नव जीवन में रंग भरना है, समय समय पे जांच करवाना, ध्यान पूरा रखना है। तुम्हारे साथ हर कदम पे हम भी शामिल है, नहीं तुम्हारी ये अकेले की लड़ाई है। जहाँ को तुमने खूबसूरती सिखाई है, तुम्हारे स्तन स्वपरीक्षण स्वास्थ्य जागरूकता का एक महत्वपूर्ण पहलू है।
स्तन स्वपरीक्षण करना और सीखना दोनों आसान है। स्तन स्वपरीक्षण स्तन में बदलाव को पकड़ सकता है जो एक महिला अपने आप में जल्द से जल्द देख सकती है। स्तन स्वपरीक्षण विशेषतः भारत में शुरुआती चरणों में मामलों की पहचान करने में मदद कर सकता है। देर होने तक प्रतीक्षा ना करें। ब्रेस्ट कैंसर तेजी से बढ़ रहा है, ब्रेस्ट हेल्थ के प्रति जागरूक होना होगा। सभी माताओं और बहनों को स्तन स्वपरीक्षण सिखाएं, जल्दी पता लगाने से अच्छे नियंत्रण में मदद मिलती है। आइए हम सब मिलकर एक स्वस्थ भारत का निर्माण करें। जहाँ को तुमने खूबसूरती सिखाई है,